हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन टुडेज वीडियो। तो आज हम बनाने जा रहे हैं एक और रेसिपी जो कि हेल्दी स्मूथी हम इसे कह सकते हैं, और इसे आप हेल्दी ड्रिंक भी कह सकते हैं। तो देखिए, इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या चीजों की आवश्यकता है। हमने लिए है 2 केले और इसके साथ है लगभग 200 मिलीग्राम मिल्क जो कि लो फैट मिल्क है। इसके साथ हम डालेंगे 1 चम्मच पीनट बटर, मेरे पास इस ब्रांड का है एक पीनट बटर, थोड़े से काजू जो कि मैंने इस पैक में लिए, और ये एक थोड़े बहुत बादाम है। तो इससे हम एक अच्छा खासा एक ड्रिंक बना सकते हैं जो कि आपके लिए हेल्दी है और बहुत ही बढ़िया है, जो कि आप स्नैक जब आपको भूख लगती है तो आप, बहुत सारे लोग वड़ा पाव खाते हैं, तली हुई चीजें खाते हुए भजिया खाते हैं, तो इसका जो कंटेंट है मतलब इसमें जो न्यूट्रिशन वैल्यू है इसकी, वो इससे बहुत ज्यादा है। इससे आपका फैट नहीं बढ़ेगा, वड़ा पाव भजिया तले हुए जो चीजें, इससे आपका फैट बढ़ता है। फैट कहाँ पे बढ़ता है? पेट पे और गाल पे। जब गाल पे फैट बढ़ता है तो क्या होता है, आपकी उम्र ज्यादा दिखती है। तो गाल पे जो है ना, वो फैट बढ़ना नहीं चाहिए बिल्कुल। तो चलिए इस रेसिपी को शुरू करते हैं। पहले हमने लिए 2 केले। केले एनर्जी के बहुत बड़े सोर्स है, तो इसको हम चॉप करेंगे। दो केले लिए हमने, इसको हम चॉप करेंगे। इसमें जो आपको कैलोरी मिलती है वो हेल्दी कैलोरी है। आप इसमें, मैंने ये मग लिया है, जूसर भी आप कह सकते हैं, इसमें मैं डालूंगा इस कटे हुए केले को। सिंपल रेसिपी है, 5 मिनट में तैयार हो जाएगी। अब इसमें मैं डाल रहा हूं लगभग 200 ml मिल्क, लो फैट मिल्क है। अब इसमें मैं डालूंगा काजू थोड़े से, और बादाम को मैं थोड़ा सा चॉप करता हूं, बड़े बड़े बादाम है, इसे चॉप करके। बादाम सेहत के लिए बहुत हेल्दी है, हेल्दी फैट और विटामिन भरपूर मात्रा में है बादाम में। तो मैं इसमें डालता हूं बादाम, और लास्ट में हम इसमें डालेंगे पीनट बटर, मूंगफली का बटर इसे हम कहते हैं। 1 चम्मच पीनट बटर मैं इसमें डालूंगा। अब इसको मैं मिक्सर में ग्राइंड करूंगा, देखते हैं। इस पर ढक्कन लगाता हूं। अब हमने ग्राइंड किया इसे, ढक्कन बोलते हैं। पीनट बटर, चलिए अब ये तैयार है। जस्ट 5 मिनट्स में ये हेल्दी रेसिपी जो कि एनर्जी में काफी ज्यादा है और आपके सेहत के लिए बहुत ही बढ़िया है। टेस्ट करके देखता हूं, थोड़ा मीठा कम है। अगर आप इसमें थोड़ा सा मीठा अगर ज्यादा चाहिए तो आप इसमें हनी डाल सकते हैं, लेकिन शुगर को अवॉइड कीजिए क्योंकि शुगर हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। शुगर आप इसमें बिल्कुल मत डालिए। अगर आपको थोड़ा सा मीठा चाहिए तो
तो आप इसमें हनी डाल सकते हैं। बहुत ही बढ़िया ड्रिंक है, आप जरूर ट्राई कीजिए घर में। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और जय हिंद।